मेरे दो बच्चे हैं, पहला वाला 12th में है। उसकी बोर्ड की परीक्षा उसके सर पे है, पर कुछ करता ही नहीं। जब देखो स्मार्टफोन लैपटॉप इसी में लगा रहता है, उसमें क्या देखता है कुछ पता नहीं। उसकी इंजीनियरिंग की ट्यूशन मैंने लगाई है, बट कोई इंटरेस्ट ही नहीं, शायद कुछ करना ही नहीं चाहता। कल उसकी माँ से जब मैंने उसकी कंप्लेन करी तो वो अपने कमरे में चला गया, चिल्ला रहा था, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ, अब किसके पास जाओ कुछ पता नहीं। लास्ट कुछ महीने से मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है। अकेले रहती हूँ तो ज़्यादातर बाहर से ही खाना होता है, कभी कभी तो मील स्किप भी हो जाते हैं क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग ही ऐसा है, और एक्सरसाइज के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। समझ में नहीं आता है कि फिट कैसे रहें। मेरी माँ और मेरी बीवी के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं किसको समझाऊँ। मैं परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, अब तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। ऑफिस के बाद मैं जाके ड्रिंक करता हूँ, स्मोकिंग की भी एडिक्शन हो गई है। ये सब कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा? मैं अपने घर की अकेली अर्निंग मेंबर हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझ पर, कभी कभी बहुत बर्डन महसूस होता है। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, बहुत पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कैसे करूँ समझ नहीं आता। आई लव माई जॉब और अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन घर से शादी का भी प्रेशर है। दिन भर यही सब सोचते रहती हूँ, बहुत सफोकेशन होता है, हर वक्त थका हुआ महसूस होता है, नींद नहीं आती है, और जब ऑफिस में रहती हूँ मन करता है बस घर जाऊँ और सो जाऊँ। ये तो बस कुछ उदाहरण थे स्ट्रेस के। स्ट्रेस कहीं से भी आ सकता है, परिवार से, अपने काम से, अपने निजी जीवन से, या ससुराल पक्ष से। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? काउंसलिंग सेशन में आप काउंसलर के साथ अपने मन की बात बांट सकते हैं, अपने परेशानी बांट सकते हैं, और काउंसलर इस परेशानी को हल करने में आपकी मदद करेंगे। आइए काउंसलिंग के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हम जब किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तब हमें सिर्फ वो प्रॉब्लम ही नज़र आता है, और इस समय पे हमें कोई विकल्प नहीं दिखता। काउंसलर आपको वो स्पेस देता है ताकि आप अपनी बात खुल के आगे रख सकें। काउंसलर आपकी मदद करता है और प्रॉब्लम को दूसरे नज़रिए से देखने का सुझाव भी देता है। चाहे डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो या कम्युनिकेशन को बेहतर करना हो, काउंसलर आपकी मदद करता है ताकि आप अपने प्रॉब्लम को मैनेज कर सकें। मान लीजिए एक इंसान काम की वजह से घर पर टाइम नहीं दे पाता, वो घर देर से लौटता है और काफ़ी थक जाता है। इस बात को उसके घर वाले नहीं समझ पाते, जिसके वजह से घर में काफ़ी अनबन शुरू हो जाती है। ऐसे में वो काउंसलिंग की सुविधा ले सकता है और वर्क लाइफ बैलेंस के स्किल्स सीख सकता है ताकि आगे जाके परेशानी ना बढ़े। काउंसलिंग बिल्कुल नॉर्मल है और इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, फिर भी लोग झिझकते हैं और इस टॉपिक को लेकर कई सवाल उठते हैं। आइए इन सवालों के कुछ जवाब ढूंढते हैं। काउंसलिंग हमारे देश में एक नया कॉन्सेप्ट है और इसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी झिझक है। लोग सोचते हैं कि क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मुझे काउंसलर के पास जाना होगा? अगर लोगों को पता चलेगा कि मैं काउंसलर के पास गया हूँ, क्या मैं पागल हूँ? या फिर क्या मुझे सच में काउंसलिंग की ज़रूरत है क्योंकि मैं इतना कमज़ोर हूँ? काउंसलिंग नॉर्मल या सामान्य लोगों के लिए है, जैसे कि आप और मैं। और काउंसलिंग और साइकाइट्री की सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि काउंसलिंग में कोई प्रिस्क्राइब नहीं करता है मेडिकेशन। और अगर हम टैबू की बात करें तो मान लीजिए कि आपको बुखार है और उसके लिए आपने दवाई ली है, लेकिन बुखार वापस आ जाता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, फिर आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तब आप ये नहीं सोचते कि डॉक्टर एक अनजान इंसान है, वो मेरी मदद कैसे करेगा। तो जब ये बात हमारी स्ट्रेस को लेकर होती है तब हम ये इसको कमज़ोरी का हिस्सा कैसे मान सकते हैं? लोग अक्सर कहते हैं कि हम काउंसलर के पास क्यों जाएं, हम अपने परिवार से ही अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हमारी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर हम काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर निकल ही जाते हैं, शायद वो शहर से बाहर हो या देश से बाहर। और ऐसी स्थिति में हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं होती है जब उनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी एक अनजान इंसान से बात करके हमें एक निष्पक्ष नज़रिया प्राप्त होता है जो हमें अपनी फैमिली नहीं दे पाती है। हम काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं और इसलिए हमारे मन में ये सवाल होता है कि क्या हमें किसी काउंसलर के पास जाना ज़रूरी है, क्या वो हमारी बात समझेगा,
और क्या ये सेफ है? किसी भी नई चीज़ को अपनाना सहज नहीं होता और इसलिए डर होना स्वाभाविक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आप काउंसलर से बात करते हो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल या गुप्त रखा जाता है। हम इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर कभी भी कोई भी शिकायत अभी तक नहीं हुई है और इस बात का हमें बहुत गर्व है। आप काउंसलिंग की सुविधा कभी भी ले सकते हैं। आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं, आप ईमेल लिख सकते हैं या फिर आप काउंसलर से फेस टू फेस मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है 1to1help.net। आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और मुफ्त में काउंसलिंग की सुविधा ले सकते हैं। 1to1help एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो भारत के EAP क्षेत्र में नामचीन है या पायनियर है। जिन कंपनीज के साथ हम काम करते हैं ज़्यादातर MNC कंपनीज है और करीब 120 कंपनीज आज हमारे क्लाइंट है। हमारी टीम के काउंसलर्स और वेलनेस कोच स्ट्रेस, परस्पर संबंध, शादी में दिक्कत, घर और बाहर को बैलेंस करना, बच्चों से संबंधित दिक्कत, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे आत्मविश्वास, चिंता, एंगर मैनेजमेंट, किसी चीज़ का नशा, इस तरह की परेशानी का सामना करने में मदद करते हैं। हमारे प्रोग्राम से हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और वेलनेस सर्विस मुफ्त में प्रदान करते हैं। आप ये सुविधा फ़ोन पर भी ले सकते हैं। आप अपने घर पे बैठकर या ऑफिस से काउंसलर से बात कर सकते हैं। काउंसलर को आप ईमेल भी लिख सकते हैं और ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप काउंसलर से मिलकर भी बात कर सकते हैं और हमारी ऐप जो कि 1to1help.net है, आप इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सुविधा आपके लिए है और आप किसी भी वक्त इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहूँगी कि ये बिल्कुल मुफ्त है और सारे काउंसलिंग इंटरैक्शंस बिल्कुल गोपनीय या गुप्त रखे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में कोई शंका या दुविधा हो तो आप बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।